हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स। हमने अभी तक पढ़ा था कि कैसे चिले के राष्ट्रपति जो सलोया एंदे थे उनको मतलब मार दिया गया और वहाँ पे एक मिलिट्री कॉप हुआ जहाँ पर जो मिलिट्री मैन जो उसके मैन कमांडर थे उनका नाम पिनोशे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर दोबारा से चिले में डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन हुआ। पिनोशेट मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988 में जब पिनोशे ने ये डिसाइड किया कि हम एक रेफरेंडम लेंगे। रेफरेंडम मीन्स होता है जनमत, जनमत का मतलब जनता का मत। तो इस डिक्टेटरशिप की का जो मतलब अंत हुआ इस रेफरेंडम के थ्रू, ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट इन दिस रेफरेंडम The people would say yes to his continuing in power. उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि वो कॉन्फिडेंट थे कि इस रेफरेंडम में उन्हें लोगों के द्वारा यस मिलेगा कि वो अपने पावर को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट द पीपल ऑफ चिले हैड नॉट फॉरगॉटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, परंतु जो चिले के लोग थे वो कभी नहीं भूले थे उनके डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को, परंपराओं को। देयर वोट वॉज अ डिसिसिव नो टू पिनोशे, तो उनका जो वोट था वो डिसीजन था उसके लिए, और उसमें कहा गया था कि नहीं, हमें आपकी सरकार नहीं चाहिए। मतलब उनका तख्तापलट हो चुका था। ठीक है, ओवर थ्रोन कर दिया गया था जनता के द्वारा पिनोशे की गवर्नमेंट का, जो 17 साल तक वहाँ पर शासन किया था एज ए डिक्टेटरशिप के रूप में। दिस लीड टू पिनोशे लॉसिंग फर्स्ट हिज पोलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर। और इसने क्या लीड किया पिनोशे का, फर्स्ट तो पोलिटिकल करियर खत्म कर दिया और उसके बाद में उसकी जो मिलिट्री पावर थी वो भी जाती रही। The hope Allende expressed in his last address was realized. जो उनके द्वारा मतलब जो चिले के जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा जो एक बात कही गई थी कि कुछ भी हो जाए ये पावर जो है या ये ताकत जो है एक ना एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने उनके शब्द थे फेलोनी कावर्डाइज एंड ट्रेसन। इन तीनों को ही मतलब आखिर में पनिश्ड होना पड़ेगा। पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज रिस्टोर्ड, पॉलिटिकल फ्रीडम दोबारा से रिस्टोर होगी। सिंस देन चिले हैज हेल्ड फोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। उसके बाद से 1988 के बाद से 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहाँ पर हो चुके हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर लिया है। Slowly the army's role in the country's government has been eliminated. धीरे धीरे वहाँ पर आर्मी का रोल भी जो था कंट्री के अंदर गवर्नमेंट में, कंट्री की गवर्नमेंट में, वो खत्म हो गया। मतलब अब जो आर्मी का जो एक तरीका है कि जो पावर्स थी गवर्नमेंट के अंदर वो खत्म हो चुकी थी। The elected government that come to power ordered inquiry into Pinochet rule. तो जो elected government आई वहाँ पर चुनी हुई सरकार, उसने ये ऑर्डर किया अपने पावर में आते ही कि पिनोशे के रूल में जो कार्य हुए हैं उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी उसने, इंक्वायरी कमीशन बिठाया उन्होंने। दिस इंक्वायरीज शोज दैट हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट आल्सो वेरी करप्ट। इस इंक्वायरीज ने ये बताया कि उसकी गवर्नमेंट ब्रूटल तो थी पर साथ साथ में बहुत ज़्यादा भ्रष्ट भी थी, करप्ट भी थी। डू यू रिमेंबर अ लिटिल रेफरेंस मेड अर्लियर टू जनरल पिनोशेस टोटल। आपको याद है कि हमने थोड़ा सा बहुत मतलब जो जनरल बेचलेट की डॉटर के बारे में कुछ रेफरेंस पढ़ा था कि उनको मतलब उनके माँ के साथ में जेल में डाल दिया गया था और बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। दैट गर्ल मिशेल बेचलेट, प्रोनाउंस मिशेल बेचलेट, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिले इन जनवरी 2006 में। इन्हीं बेचलेट मिशेल बेचलेट को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मतलब विक्ट्री प्राप्त हुई और ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने। अ मेडिकल डॉक्टर एंड अ मॉडरेट सोशलिस्ट, एक मेडिकल डॉक्टर थी ये और मॉडरेट सोशलिस्ट सामाजिक कार्यकर्ता थी। मिशेल बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के इतिहास में, लैटिन अमेरिका जो हम साउथ अमेरिका बोलते हैं उसके इतिहास में ये पहली डिफेंस मिनिस्टर थी, मतलब पहली मतलब रक्षा मंत्री थी जो बनी थी। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शी डिफीटेड, अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने किसको हराया था, वन ऑफ द चिलेस रिचिएस्ट मैन, एक चिले के मतलब सबसे अमीर लोगों में से एक व्यक्ति को उन्होंने हराया था।
इन दिस फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री स्पीच शी इज सेइंग टू हर सपोर्टर। ये जो फोटोग्राफ ऊपर दिया गया है इसमें ये अपने सपोर्टर्स को क्या कर रही है, वो ये कह रही है कि बिकॉज आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेट्रेड, चूँकि मैं मतलब नफरत की विक्टिम रह चुकी थी, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हेट्रेड एंड टर्न इट इन टू अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर दिया इस हेट्रेड को रिवर्स करने में, वापस मतलब इसका उल्टा करने में, एंड टर्न इट इन टू अंडरस्टैंडिंग, और उसे किस में बदलने में, अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, ठीक है, कि हम किसी को समझ सकें, टॉलरेंस सहनशीलता में, एंड वाई नॉट से इट इन टू लव, और ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि मैंने उसको मतलब हेट्रेड को किसने बदला, प्यार में। तो उनकी ये विचार थे। डेमोक्रेसी इन पोलैंड, अभी तक हमने चिले के बारे में पढ़ा कि हाउ जो सलोदा एंडे की जो सरकार थी वो थ्रोन आउट की गई मिलिट्री कोप के थ्रू, और फिर मिलिट्री कोप 17 साल तक वहाँ पर मतलब उसने रूल किया एज ए डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के रूप में। तो बाद में 1988 में मतलब पिनोशे ने मतलब जब रिफरेंडम करने की सोची तो वहाँ पर सरकार को मतलब ओवरथ्रो कर दिया गया लोगों के द्वारा। और अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन पोलैंड। पोलैंड एक छोटा सा देश है यूरोप में। लेट अस टर्न टू अनदर इवेंट दिस टाइम फ्रॉम पोलैंड। चलो एक और इवेंट को हम देखते हैं। इस बार हम किसके बारे में बात करेंगे, पोलैंड के बारे में। 1980 का ये समय है। एट दैट टाइम पोलैंड वॉज रूल्ड बाय पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। तो उस समय ये रूल किया जाता था पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी से, पार्टी के द्वारा। दिस वॉज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टी दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्री ऑफ द ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम। ये उन कम्युनिस्ट पार्टी में से एक पार्टी थी जो उस समय के ईस्ट यूरोप में शासन किया करती थी। जैसे कि आपको मालूम है 1980 के दशक में जो रशिया है, USSR जिसे हम कहते थे पहले, उसका प्रभाव ज़्यादा था, और वहाँ पर मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों का ज़्यादा जज्बा था। तो उस समय पोलैंड भी मतलब रशिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इन दिस कंट्री नो वन नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वाज अलाउड टू फंक्शन। ऐसी कंट्रियों में कोई दूसरी पार्टी को अलाउ नहीं किया जा सकता था कि मतलब वो चुनाव लड़े, यानी कि एकमात्र ही पार्टी होती थी और वही मतलब वहाँ पर चुनाव लड़ती थी और जीतती थी, ठीक है। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपने लीडर को नहीं चुन सकते थे, ठीक है, और गवर्नमेंट को भी नहीं चुन सकते थे। दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर ऑफ द पार्टी और गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन। वे लोग जो मतलब नेता के बारे में कुछ विरोध में बोलते या पार्टी के बारे में या फिर गवर्नमेंट के बारे में, उनको मतलब जेल में डाल दिया जाता था। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वॉज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। जो पोलैंड की सरकार थी उसको कौन सपोर्ट करता था और कंट्रोल करता था, USSR, सोवियत यूनियन जिसे हम कहते थे। अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट, जो कि खुद एक कम्युनिस्ट स्टेट था और बहुत ही बड़ा था। आज भी मतलब हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो कौन सा है, वो USSR मतलब US रशिया है। और आगे चलते हैं कि वहाँ पर 1980 में हुआ क्या पोलैंड में। On 14 August 1918, the workers of the Lenin shipyard in the city of the Gdansk went on a strike. 14 अगस्त 1980 को जो लेनिन शिपयार्ड के वर्कर्स थे, जो कौन से शहर में था, डांस में, वो एक स्ट्राइक पे चले गए, एक हड़ताल पे चले गए। द शिपयार्ड वॉज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट स्टेट होते हैं वहाँ पे सभी प्रॉपर्टी जो होती है वो सरकार की होती है। तो शिपयार्ड किसके द्वारा ऑन किया गया था, सरकार का था। इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। असल बात फैक्ट तो ये था कि वहाँ पर जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी थी पोलैंड में या फैक्ट्रियाँ थी, वो सब किसकी थी, गवर्नमेंट की। द स्ट्राइक बिगन विद अ डिमांड टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर वुमन वर्कर हु वॉज अनजस्टली डिसमिस्ड। ये जो स्ट्राइक शुरू हुई थी इसकी इनिशियल जो डिमांड थी वो ये थी कि क्रेन ऑपरेटर एक महिला थी उसको मतलब इनजस्टफुली डिसमिस कर दिया गया था, तो उसको वापस लिया जाए, ये उनकी डिमांड थी। इस डिमांड के साथ उन्होंने अपनी स्ट्राइक को स्टार्ट किया था। पर लेटर ऑन क्या हुआ देखते हैं। दिस स्ट्राइक वॉज इलीगल, ये स्ट्राइक अवैधानिक थी, बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउ इन पोलैंड। क्योंकि पोलैंड में ट्रेड यूनियन बनाना, उसको मतलब इंडिपेंडेंट रूप से चलाना, उसको स्वतंत्र रूप से चलाना, वो वहाँ पर अलाउ नहीं था। हमारे यहाँ पर आप देखोगे इंडिया में तो आप किसी प्रकार का यूनियन बना सकते हो, आपको ये आज़ादी है, आपको मतलब जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें एक ये राइट्स भी है।
पर वहां पर ऐसा नहीं था। एज द स्ट्राइक कंटिन्यू, जिस जैसे स्ट्राइक मतलब कंटिन्यू होती रही, अ फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन ऑफ द शिपयार्ड लेक वालेशा ज्वाइन द स्ट्राइकर्स। एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन जो पहले इलेक्ट्रिशियन का काम कर चुका था, उसका नाम था लेक वालेशा। इसका नाम याद रखना है, लेक वालेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। तो ये वो पर्सन है जिसने इस स्ट्राइक को कंटिन्यू किया। उसने स्ट्राइकर्स को मतलब जोड़ा, मतलब उनको ज्वाइन किया, उनके साथ मिल गया। वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976। उसको अपनी सर्विस से, अपनी सेवा से 1976 में निकाल दिया गया था फॉर डिमांडिंग हायर पे। और इसका कारण क्या था, क्योंकि उसने ज्यादा पेमेंट की मांग की थी। वेलेसा सून इमर्ज एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। जल्दी ही वेलेसा जो है वो उन स्ट्राइकिंग वर्कर्स के लीडर के रूप में उभरा। द स्ट्राइक बिगन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी। स्ट्राइक जो थी वो धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैल गई। नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड राइजिंग लार्जर डिमांड। अब वर्कर्स जो थे वो बड़ी से बड़ी डिमांड राइज करने लगे थे, उठाने लगे थे। दे वॉन्टेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। वे चाहते थे कि मतलब एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बने, उसका अधिकार उन्हें प्राप्त हो। और दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर एंड 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 टू सेंसरशिप ऑन प्रेस। और उनकी दूसरी और तीसरी डिमांड थी कि पोलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए और सेंसरशिप जो लगी हुई है प्रेस पर उसको भी खत्म किया जाए। सेंसरशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रतिबंध जिसके थ्रू सरकार प्रेस के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है कि क्या प्रिंट होगा और क्या प्रिंट नहीं होगा। मतलब बिफोर प्रिंटिंग सरकार उसे चेक करती थी कि क्या, मतलब वो अगर सरकार के खिलाफ है तो वो प्रिंट नहीं होता था। आगे, द मूवमेंट बिकम सो पॉपुलर दैट द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन। अब मूवमेंट जो था, ये आंदोलन इतना पॉपुलर हो गया कि सरकार को मतलब गिव अप करना पड़ा। द वर्कर लेड बाय वेलेसा साइन अ 21-point अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट दैट एंडेड देयर स्ट्राइक। अब जब उन्होंने गिव अप किया तो एक एग्रीमेंट हुआ वेलेसा और गवर्नमेंट के बीच में, वो एग्रीमेंट कहलाया 21-point अग्रीमेंट। ओके, तो द गवर्नमेंट एग्री टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन एंड देयर राइट टू स्ट्राइक। सरकार ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, उनकी मांगों को सहमति दी कि एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनना चाहिए, उसका अधिकार है उनको, और उनको स्ट्राइक करने का भी अधिकार है। आफ्टर द डांस एग्रीमेंट वॉज साइंड, जब ये डांस एग्रीमेंट साइन हो गया, जिसको हम 21 एग्रीमेंट या डांस एग्रीमेंट भी कहते हैं, अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरोन्स इन पोलिश वॉज फॉर्म्ड। सॉलिडेरिटी करके एक वहाँ पर यूनियन बना। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट्स। ये पहली बार था कि जब स्वतंत्रता पूर्वक मतलब ट्रेड यूनियन बना हो किसी कम्युनिस्ट स्टेट में। तो ये पोलैंड एक एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर पहली बार मतलब ट्रेड यूनियन बना था। विद इन अ ईयर सॉलिडेरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड। एक साल के अंदर अंदर ही ये सॉलिडेरिटी जो मतलब यूनियन था या संगठन था, इसने पूरे पोलैंड को मतलब स्वेप्ट कर लिया एंड हैड अबाउट 1 crore मेंबर। और इसमें फैल गया, मतलब स्वेप्ट करना मतलब फैल गया, और इसमें 1 crore से ज्यादा मेंबर जो है जुड़ गए। Revelations of the widespread corruption and the mismanagement in the government made matters worse for the rulers. इसके द्वारा कई तरह के revelation किए गए, revealed मतलब कई matters जो है वो उजागर किए गए, जैसे कि सरकार का mismanagement, ठीक है। तो इससे rulers को शासन करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। The government led by General Jaruzelski grew anxious and imposed martial law in the December 1981। जब उनको शासन चलाना मुश्किल हो गया तो उस समय की जो सरकार को लीड कर रहे थे जनरल जेलेस्की, वो काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने वहाँ पर पोलैंड में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ एक तरह का लॉ होता है जिसके तहत मतलब सारी पावर जो है एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में आ जाती है, या हम कहें कि मतलब जो एब्सोल्यूट पावर है वो एक इंडिविजुअल के पास जाती है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह से हमारे यहाँ पे जो धारा 44 लागू होती है उसका जटिल फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये 1981 में दिसंबर में उन्होंने लागू की। थाउजेंड ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर वर पुट इन प्रिजन। हजारों की संख्या में सॉलिडेरिटी मेंबर्स को मतलब जेल में डाल दिया गया। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वाज वंस अगेन टेकन अवे। जो भी फ्रीडम मिला था उनको, कि ऑर्गेनाइज होने का फ्रीडम, प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम और अपनी ओपिनियन को रखने का फ्रीडम, वो सभी उनसे ले लिया गया दोबारा से। अनदर वे ऑफ स्ट्राइक्स अगेन ऑर्गेनाइज बाय सॉलिडेरिटी।
दोबारा से एक स्ट्राइक मतलब ऑर्गेनाइज की गई सॉलिडरिटी संगठन के द्वारा बिगन इन 1988 1988 में। दिस टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर, इस बार जो गवर्नमेंट थी वो कमजोर थी। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टन, अब जो सपोर्ट भी आ रहा था सोवियत यूनियन से वो भी मतलब अनिश्चित था, उतना सपोर्ट कम्प्लीटली उन्हें नहीं मिल रहा था जितना कि 1980-81 के तहत मिल रहा था। एंड द इकोनॉमी वाज इन डिक्लाइन, और इकोनॉमी भी थी पोलैंड की वो डिक्लाइन होती जा रही थी, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद द वेलेसा रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1981 फॉर फ्री इलेक्शन, एक दोबारा से मतलब नेगोशिएशन हुआ, नेगोशिएशन यानी कि बातचीत हुई वेलेसा और सरकार के बीच में, और वह हुआ 1989 में फ्री इलेक्शन के लिए कि फ्री इलेक्शन होने चाहिए। सोलिटरी कंस्टेंटिस ऑल द 100 सीट ऑफ द सीनेट, सोलिटरी जो मतलब पार्टी थी उसने सभी 100 सीटों पर, जो सीनेट की 100 सीटें थी उन 100 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा एंड वोन 99 ऑफ देम, और उसमें से 99 सीटें जीत ली, यानी कि एक सीट को छोड़कर बाकी 99 सीट उन्होंने जीत ली। इन अक्टूबर 1990 में पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कंटेस्ट, इसने अपना पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा और इसमें एक से ज्यादा, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ओनली वन पार्टी कैन कंटेस्ट इलेक्शन, पर यहाँ पे आप देखोगे 1990 तक आते आते यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और इसमें डिफरेंट पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। वेलेसा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, और आगे चल के मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो उनके नेता थे लेक वालेसा वो विजयी हुए और वहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 1990 में वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने, तो उनका नाम आ जाएगा लेक वालेसा। लीडर कौन थे वर्कर्स के, तो उनका नाम भी क्या है, लेक वालेसा। ठीक है, डांस एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ, तो पोलैंड गवर्नमेंट और लेक वालेसा के बीच में। अब हम पढ़ेंगे टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के दो फीचर्स। वी हैव रीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ रियल लाइफ स्टोरी, हमने दोनों अलग अलग प्रकार की मतलब रियल लाइफ की स्टोरी पढ़ी, एक चिले के बारे में और एक पोलैंड के बारे में। द स्टोरी फ्रॉम चिले वॉज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लीड बाय एंड दे बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ पिनोशे। पहले में देखा हमने कि चिले की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको मतलब लीड कर रहे थे एंड दे, वो रिप्लेस कर दी जाती है नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा जो कि पिनोशे की थी, और दोबारा से वहाँ पर रिस्टोरेशन होता है मतलब लोकतंत्र वापस से स्थापित होता है। इन पोलैंड वी टेक द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि पोलैंड में इसका ठीक उल्टा होता है, वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लेट अस कंपेयर द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन दिस स्टोरी, चलो नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्री ये गवर्नमेंट थी दोनों ही देशों में उनको हम कंपेयर करते हैं। देयर वर मेनी डिफरेंसेज बिटवीन पिनोशे रूल्स इन चिले एंड द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, कई प्रकार के डिफरेंसेज हैं पिनोशे के रूल और कम्युनिस्ट रूल में, पिनोशे रूल जो चाहे चिले में हुआ और कम्युनिस्ट रूल जो मतलब पोलैंड में हुआ। चिले वाज रूल्ड बाय अ मिलिट्री डिक्टेटर, चिले जो था वो रूल किया गया था मिलिट्री डिक्टेटर के द्वारा, जबकि पोलैंड जो रूल किया गया था वो एक पोलिटिकल पार्टी के द्वारा रूल किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम्ड दैट इट वॉज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस, गवर्नमेंट जो थी पोलैंड की वो क्लेम करती थी, घोषणा करती थी कि वो वर्किंग क्लास के बिहाफ में वहाँ पर रूल कर रही थी। पिनोशे मेड नो सच क्लेम, पिनोशे ने तो इस प्रकार कोई भी क्लेम नहीं किया था एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, और खुले तौर पर उसने मतलब पूंजीपतियों का साथ दिया, उनको फेवर्ड किया। येट बोथ हैड सम कॉमन फीचर, पर इसके बावजूद भी उन दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स भी थे। Why was an independent trade union so important in Poland? Why are trade union necessary? Question necessary आवश्यक है कि क्या जरूरत है एक स्वतंत्र यूनियन ट्रेड यूनियन होने की, और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पोलैंड में और इसकी आवश्यकता क्यों है? तो अगर स्वतंत्र मतलब ट्रेड यूनियन नहीं होगा तो वो कैसे अपनी डिमांड्स को वहाँ पर रख पाएंगे और सरकार के खिलाफ मतलब वो खड़े हो सकते हैं। ठीक है, पोलैंड में इसलिए जरूरत था क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को बनने ही नहीं दिया जाता, किसी प्रकार की कोई सुविधा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब इन दोनों के बीच में दो जो मतलब सिमिलरिटीज वो देख लेते हैं। द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स, दोनों जगह के लोग जो है अपने रूलर को चूज नहीं कर सकते थे और नहीं चेंज कर सकते थे। देर वॉज नो रियल फ्रीडम टू द एक्सप्रेस वंस ओपिनियन,
किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं थी दोनों ही जगहों पर कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करें, फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं पॉलिटिकल एसोसिएशन को फॉर्म कर सके और नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल एक्शन। द थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आइडेंटिफाई अबाउ, अब हमने अभी तक तीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखी, एक अयंदे की जो चिले में थी, फिर वेलेशा की पोलैंड में, और बेस्टलेट्स चिले, आर डिफरेंट इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर। इन तीनों का जो अप्रोच है वो अलग अलग है, चाहे वो सोशल फ्रंट हो या इकोनॉमिक फ्रंट हो। अयंदे प्रिफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्री, अयंदे चाहते थे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सभी बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर एंड इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था पर। वेलेशा वांटेड द मार्केट टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वेलेशा चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है सॉरी जो मार्केट हो वो मतलब गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से इंटरफेरेंस से मतलब फ्री हो, वहां पे सभी को मतलब जाने का और उनको काम करने का मौका मिले। बेस्टलेट स्टैंड समवेयर इन द मिडिल ऑन द इश्यू, देखो अयंदे पूरा कंट्रोल चाहते थे गवर्नमेंट का, विलेज चाहते थे कि मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो मार्केट में, जबकि बेस्टलेट जो है इन दोनों के कहीं मिडिल में खड़ी हुई नजर आती है। येट दिस थ्री गवर्नमेंट शेयर सम बेसिक फीचर, पर इन तीनों में ही कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो इनको एक करते हैं। पावर्स आर एक्सरसाइज बाय गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पर जो पावर या शक्ति जो है वो यूज की जा रही थी इलेक्टेड पीपल के द्वारा एंड नॉट बाय द आर्मी, और नहीं आर्मी के द्वारा इसे यूज किया जाता है। अनइलेक्टेड लीडर या फिर जो लीडर चुना ही नहीं गया हो, और एनी एक्सटर्नल पावर या फिर कोई बाहरी पावर के द्वारा उसको पावर यूज करने वाले कौन थे, चुने हुए व्यक्ति या रिप्रेजेंटेटिव। द पीपल एंजॉयड सम बेसिक पोलिटिकल फ्रीडम, लोगों को कुछ बेसिक पोलिटिकल फ्रीडम प्राप्त थे। फ्रॉम दिस टू स्टोरी लेट अस ड्रॉ अ रफ वे टू आइडेंटिफाई अ डेमोक्रेसी, इन सब स्टोरी से दोनों स्टोरी से हम थोड़ा एक रफ आइडिया निकालते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर रूलर्स, तो अभी तक का जो आइडिया हमें आया है उससे हमें समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी एक सरकार का वह फॉर्म है जिसमें लोग अपने लीडर रूलर को चूज कर सकते हैं। ओनली लीडर इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर लोगों के द्वारा चुने गए हैं वही मतलब शासन कर सकते हैं या वो करते हैं करना चाहिए उनको। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, लोगों के पास में ये आज़ादी होती है कि वो अपने ओपिनियन को अपने व्यूज को रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन चैप्टर टू एंड डेवलप अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हम चैप्टर टू में जाएंगे उसको मतलब और भी ब्रॉड डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे द चेंजिंग मेप ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो आपको पोलैंड से रिलेटेड जो भी जानकारी है कि कौन वहाँ पर मतलब लीडर था, कौन कमांडर था वहाँ का, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन था उस समय एट द टाइम 1980 में, ठीक है, कौन वहाँ पर वापस में मतलब 1990 के आसपास दोबारा से जब वहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई वहाँ पर, तो वहाँ पर राष्ट्रपति कौन बना, क्या डिमांड वेलेशा के द्वारा रखी गई गवर्नमेंट पोलैंड गवर्नमेंट के सामने, ये सारे आपके होमवर्क है, आपको क्वेश्चन में करना है और इसका आंसर लिखना है। ठीक है, थैंक यू।